ele era muito caro, não tinha meu, ó. Cadê? वेल हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेचुका। अभी टाइम है अराउंड 5:45 AM और सुबह को उठ के आई थॉट जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं इस जगह का नज़ारा आपको थोड़ा दिखाना चाहिए। हाँ, इट्स टू फॉगी, इट्स फुल ऑफ फॉग। ये मेचुका विलेज में लुक एट दिस ब्यूटिफुल होम। हाँ, रियली लुक सो ब्यूटिफुल। उधर भी एक घर है एंड चलो पीछे जाके देखते हैं, पीछे साइड जाके भी देखते हैं वहाँ पे क्या है। बिकॉज बाहर तो यार हवा अभी भी काफ़ी तेज़, मतलब थोड़ा तेज़ ही है। एंड इधर भी एक झरना जल रहा है। ओह, देयर आर स्ट्रीम्स लिटरली एवरीवेयर। और इनका तो अरुणाचल में आई मीन 24 आवर्स वाटर सप्लाई, विच इज़ ए बिग थिंग। ठीक है, मेचुका सिटी इज़ नॉट विजिबल, तो सो लेट मी टेक ए ब्रेक। एंड इट्स वेरी कोल्ड, अंदाज़ा बाहर का टेम्परेचर अभी होगा 4-5 degrees। ठीक है, रात को 1-2 के आसपास गया होगा। इस ट्रिप का सबसे कोल्ड जगह और सबसे हाई ऑल्टीट्यूड वाला जगह भी यही है। इंटरेस्टिंग थिंग, गाड़ी के अंदर टेम्परेचर था 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ठीक है, तो रात भर अगर गाड़ी के अंदर ये रह के 2.9 था तो आई एम प्रेटी मच श्योर सब जीरो टेम्परेचर हो गया होगा इन द मिडल ऑफ द नाइट। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि बाहर माइनस था। प्लांट्स के ऊपर पूरा ग्रीन, पूरा वाइट हो चुका है। एंड दिस इज नॉट द डस्ट, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला प्लांट्स ग्रीन दिख रहे हो, कुछ कुछ प्लांट्स ऊपर वाला ग्रीन है, लोअर नीचे वाला प्लांट्स जहाँ पे ड्रॉपलेट्स आके गिरा सारे फ्रोजन हो चुका है। एकदम नज़दीक भी आपको दिखा सकते हैं, लाइक दिस वन, सी बर्फ जम चुका है लीव्स के ऊपर। मज़ेदार गर्मा गर्म नून चाय हैज ऑल्सो बीन सर्व्ड। यहाँ के होस्ट का खातिरदारी देख के आई एम रियली अमेज्ड बाय देयर लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल एंड ये खातिरदारी, बाय गॉड। तो अभी भाई हम लोगों को लेके जा रहा है बूम मेचुका का व्यू पॉइंट पे, और अभी सुबह को 6:30 ही बजा होगा एंड एवरीवन इज रेडी इंक्लूडिंग दिस फेलो हियर। एंड इट्स सो फॉगी, लेकिन मस्त है। वैसे ट्रैक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने में भी मज़ा आता है यार। ड्रेन का भी पानी देखो कितना साफ है, मतलब समथिंग वर्थ नोटिसिंग। इन पहाड़ों की बाहों में चल रहा है अपना ये सफर, एक मीठा सा ख्वाब लेके बढ़ रहे हैं अपने हर कदम। ये क्या मच्छी फार्मिंग के लिए? हाँ, फिश फार्मिंग के लिए। फिश फार्म सफर, एक मीठा सा ख्वाब लेके बढ़ रहे हैं अपने हर कदम। मारवा फॉर छांग, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि आप खा सकते हैं। अब पता नहीं फ्रूट का नाम क्या है बट ये तो आप खा सकते हो, भाई ने सिखा दिया है। ठीक है, दिस वन एकदम साफ सुथरा है, नो इश्यूज। ज़्यादा कुछ खास टेस्ट नहीं है, ठीक है, खास टेस्ट नहीं है, लेकिन सीखने में मज़ा आता है। हाँ, उधर हमारा एक गाड़ी का पहिया में पंक्चर आ गया, पहिया बैठ चुका है, स्टेपनी का इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ाम हो रहा है। भाई आगे निकल रहे हैं और बंदा इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना जितना बी रोल शॉट्स था वो इसी जगह पे मार रहे हैं। वैसे आज का ट्रैक का हम लोगों का टारगेट था टू व्यू मेचुका बिफोर द सनराइज फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट पॉसिबल, और वो हाईएस्ट पॉइंट एक्चुअली है जब आप मेचुका एंटर करते हो एकदम ऊपर इन बोल्ड पहाड़ों पे लिखा हुआ मेचुका के ऊपर जाने का टारगेट हम लोगों का था। एंड ऑल्सो हमारे दौरजी भाई ने रिकन्फर्म किया कि दैट इज एक्चुअली द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेचुका।
खेतों की हरियाली से जगमगा उठा ये समां। धीरे धीरे ऊपर जाके रखते हैं, तेज से चमक उठा जहां खेतों की हरियाली से जगमगा उठा ये समां। शेर की दाढ़ से झरनों की फुहार से खिलखिले उठे हैं ये पहाड़ पेड़ों की। आहा, ये यहाँ का ब्लूबेरीज है, एक उठा के टेस्ट करके देखते हैं। मीठा ही है। हाँ, ये हल्का सा मीठा है ना, टेस्टी है। खाइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेरीज, ये ट्रैक का मैं नाम दूंगा बेरी ट्रैक। क्या बात है। चलिए चलिए, और बहुत जाना है। हाँ हाँ, भाई ने कहा ऊपर आर्मी का बंकर भी है। आर्मी लोगों को क्या पता है, हाँ का नहीं आता है। हाँ, पूरा पकड़ और उसके बाद जो बैग पूरा लेके चलने देते हैं। इस पेड़ पे तो बेरी से भरा हुआ है, अंदर झांक के देखो भाई साहब, फुल ऑफ बेरीज। हो मैं ब्रिटानिया केक बिस्किट वगैरह लाए थे, लेकिन लगता नहीं है उसका जरूरत है। हाहा, पहाड़ माउंटेन, सूरज आने लगा है, बहुत ही जल्दी क्लियर होने वाला है और मस्त वाला मॉर्निंग व्यू अपने को मिलेगा। साथ मेरे चल तू यार, मंजिल के पीछे मंजिल है, धड़कने भी तेज है, आग सा जुनून है, मुश्किलों को पीछे तुझो, ख्वाबों की एक दुनिया सी दिख रही। हाँ, काफी ऊपर ट्रक करके आए, द ऑल्टीट्यूड गेन वाज, कहाँ गया दिखा रहे बाबा, 2298 फीट टिल नाउ, 300 फीट ऊपर ट्रैक करके आए। एंड लुक एट दोस क्यूट क्रिएचर्स, दीज आर एक्चुअली डोमेस्टिकेटेड, बट अभी ऑल द विलेजर्स हैव लेट देम रोम अराउंड ओपनली। बस थोड़ा सा चलते हैं, कल थोड़ा ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको भी ज्ञान बांटते हैं। ये जो ट्वेटियन वाइट पेयर फ्लैग्स होता है, दीज आर एक्चुअली इन मेमोरी ऑफ समवन डेड। ओके, और द कलरफुल वंस होम मानी पामे हम दैट वी यूजली पुट ऑन अवर कार्स एंड बाइक्स, दोज आर प्रॉपर ट्रिबेटियन पेयर फ्लैग्स। क्या नज़ारा है यार, लुक एट दिस गॉड रेज मैन। धीरे धीरे फॉग क्लियर हो रहा है, इट्स अ बिग ट्रिक। हम लोगों को पता भी नहीं था, तारक दौड़चे भाई हम लोगों को लेके आ रहे हैं। ही इज़ सो हेल्पफुल, ही हैज़ बिन सो काइंड एंड हेल्पफुल, उनका पूरा फैमिली हैज़ बिन सो काइंड एंड हेल्पफुल, like supporting us, guiding us to the trek, guiding us to the mountains, to the Mechuca viewpoint, original Mechuca viewpoint, एकदम पहाड़ों के ऊपर से, and that's where the Mechuca town is starting to peak out. Next target. Fog के ऊपर से. और पंद्रह का बात आप सुन रहे हो शायद. माइनस है. Yeah. जितना ऊपर जा रहा है इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग विद एवरी टर्न। सॉरी अबाउट माई वॉइस, ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते हैं। ओह, लुक एट दिस माउंटेंस मैन, कुछ देर के लिए तो मैं खो ही जाऊँ उनमें, लेकिन अभी थोड़ा सा हाइक बाकी है। वी हैव स्केल्ड द हाइट ऑफ चंपे मेचू का लिखा रहता है इन वाइट, यू मस्ट हैव सीन अदर व्लॉग्स, देन उसके भी आगे हमको जाना है। मजा दारू अंदर तो वो पीछे मेचुका शहर है, और ये वाले सामने जो आपको बाहर दिखा रहे हैं अभी हम थोड़ा बहुत पैन करके, ये एकदम मेचुका लिखा हुआ है, उसका ऑपोजिट एंड पे जो पहाड़ दिखता है ना, वो दो पहाड़ क्रॉस करके हम देख रहे हैं। और अभी तारक भैया ने जो कहा, मैंने पूछा कि अगर उस पहाड़ का जो नीचे स्नोफॉल वगैरह पड़ा हुआ है वहाँ तक अगर ट्रैक करके जाना है तो कितना टाइम लगेगा,
तो तारक भाई ने कहा ये ट्रैक दिख तो रहा है इतना पास है, लेकिन टाइम कम से कम एक दिन लगेगा, इस जंगल के बीच में से जाना पड़ेगा और फिर वहाँ पे इट्स अ वन डे ट्रैक टू दैट पीक। और ये जो टॉप वाला लैंड है, हम लोग उस साइड से आ रहे थे, मतलब मैं चुका, ये एकदम टॉप का पहाड़ सर्कल करके फिर हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। एंड आई एम गेसिंग तारक भाई वो ऊपर पहुंच सकते हैं ना, ऊपर नीचे नहीं, एकदम टॉप पॉइंट तो ये ऊपर है, ये वाला टॉप है, ठीक है वहां से होके आते हैं, जाना तो भाई टॉप पे है एकदम। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आंखों के किनारों में बहाने ही सही, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें, शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां, ख्वाबों के लिफाफों में छुपा है रास्ता, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। भाई कितना तेजी से आता है देखो, तो फॉग गायब हो जाना चाहिए। इट लुक्स अमेजिंग। और वो रहा बिचुका का ये स्ट्रिप, यहाँ से क्लियरली विजिबल, सिंगल ये स्ट्रिप है, लेकिन ओह माय गॉड द क्लाउड्स हैव स्टार्टेड टू कवर द ये स्ट्रिप एज़ वेल। अब थोड़ा बदन थोड़ा ना, वो तो इस तरफ करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, सपोर्ट देता हुआ नहीं गिरेगा, गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा, आप सिर्फ आइए ना मेरे साथ, तो मैं पकड़ू, चलिए चलिए बदन को ऐसे रखो, एकदम दिखे दिखे, हाँ गिरेगा भी तो कहा नीचे नीचे में होगा, कहा जाएगा मर जाएगा, क्या मरेगा नहीं मरेंगे, नहीं कम 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 कम, हाँ पीछे जैकेट में होते थे पीछे ठुके ना, हाँ चल केस चल पहले वो ठीक है, कुछ नहीं है ना, ये तो
डेली रूटीन है ऐसे। अभी आराम से आइए, मैं पकड़ो। चलिए चलिए, प्रॉब्लम नहीं ना। प्रॉब्लम नहीं, चलिए। ज्यादा ही हो रहा है ये। बैक करने का रोड यही से है ना? हाँ, बैक या ऊपर चल जाएंगे? उस तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, ये वाला करने के बाद बैक ऐसे चढ़ के वापस भाई ऊपर दे चढ़े वापस। अबे दिख रहा है, चल खतरों का खिलाड़ी रोडीज रोडीज। फोन पे देखेंगे कैसे दिख रहा है, आप पकड़ो उसको, मैं दिखाता हूँ। फोन पे देख सकते हैं कैसे दिख रहा है, ये किस तरफ कोई कल नहीं, एक ही कहीं पे भी रखोगे। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये कहीं पे भी सीसीटीवी कैमरा है, एडवांटेज बहुत है इसमें, थोड़ा संभाल के हैं। आप इस मत लो ज़्यादा, बस ये ठीक तक ठीक है मुझे लग रहा है, आगे जाने का मतलब नहीं बनता है। ये मेचू का बहुत लंबा है ना? आगे जाने का मतलब नहीं बनता, काफी दूर जाना पड़ेगा। फिर हम जाके आ जाएगा, आप जाके आना चाहते हो? हम वापस चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ होगा। सो हियर इट इज़ मेचुका, एम ई सिर्फ स्टील का बनाया हुआ मेचुका, दैट यू सी जब आप मेचुका के अंदर आते हो। और मेचुका के राइटिंग के ऊपर बैठे हैं हम भाई साहब। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है। तो कमिंग टू दिस मेचुका पॉइंट ओनली, ये मेचुका जो लिखा है जो सब लोग नीचे से दिखता है, इस जगह पे आना ही इज ए टास्क इन इटसेल्फ। ठीक है, अभी तक मैं टॉप पॉइंट से शुरू किया हूँ, वी हैव डन 1.45 किलोमीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस, ऑल्टीट्यूड 2380। ठीक है, तो मैं अभी कोशिश कर रहा था भैया के साथ, जैसे आप इंस्टा 360 क्लिप में देख रहे हो कि मैं चुका के ऊपर, इरादा तो यह था कि मैं चुका के वहाँ पे हम लोग चार पाँच लोग रुकेंगे, खड़े हो जाएंगे और वहाँ से बाबा हमारे तो झूठीरा बेरी अच्छा हूँ, झूठी तो पूरा सिंग रे भाई, ये तो मिठू ने सिंग पूरा मिठू ने सिंग। तो इरादा तो यही था कि मिचुका का वो जो लिखा हुआ है स्टील में, तो उसके वहाँ से ड्रोन फ्लाई करेंगे, लेकिन आप मिचुका एयरपोर्ट तो देख रहे हो एकदम बाजू में है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसलिए मैंने सोचा चलो इंस्टा 360 लेके ट्राई करेंगे। लेकिन भाई साहब दैट राइटिंग इज डैम बिग, नहीं तो उतना दूर से दिखाई भी नहीं देता ऑब्वियसली, मतलब समथिंग दैट वी डिड नॉट कंसीडर। और सोचा कि और ड्रोन तो फ्लाई नहीं कर सकते, तो इंस्टा 360 इज द ओनली ऑप्शन। तो पहले तो मैंने भी कोशिश किया, लाइक दैट प्लेस इज ए स्टीप स्लोप, ठीक है, तो मैंने भी कोशिश किया पहले, एंड आई केम डाउन, आई वेंट, आई क्रॉस द फर्स्ट एम क्रॉस किया मैं चुका का, लेकिन उसके बाद इतना स्टीप था एंड आई वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक आई एम नॉट यूज्ड टू। दुर्जय भाई साहब जिस तरीके से माउंटेन पे एकदम एजेस पे क्लाइंब करते हुए जा रहे, वैसे तो हम यूज टू नहीं है ना, तो इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग रहा था। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू गो टू दैट मॉनेस्ट्री, वो आप देख रहे हैं, दैट इज द मॉनेस्ट्री दैट वेयर वी आर गोइंग टू गो। ये देखो, सो दैट्स ए 400 ईयर ओल्ड मॉनेस्ट्री जहाँ पे हम लोग जाने वाले, एंड दैट्स अबाउट इट। और क्या कहें, सो तारक भाई इज कवरिंग द रेस्ट ऑफ दी ENCHUKA। उन्होंने कहा कि दो मुझे कैमरा दो, मैंने उसको उनको दिखाया लाइव व्यू में कि कैसा दिखता है एक्चुअली, तो दो मुझे कैमरा दो पूरा कवर करते हैं, तो तारक भाई खुद ही कवर कर रहे हैं। मैं किसी हवाओं में चले हैं हम कहीं, हम जो चाहे दिल को वो पता है या नहीं, हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें। Is waiting for him. He'll come back and then वहाँ पे सादित रुका हुआ है। जा रहा है यार, मतलब there's not even single moment when you get bored. और कभी कभार मतलब clouds के बीच में से वो goddess type आ रहा है, तो the view is just too pleasing to the eyes. मतलब मुझे पता है कि इस phone में मैं उसे shots नहीं ला पाऊँगा, but then yeah, it's a beautiful around. Actually दिखाते हैं हम लोग कहाँ से आए हैं हुए हैं। तो
वो जो बीच में सेंटर में एक वाइट कलर का कार देख रहे हो, दैट इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। और यहाँ से हम लोग पूरा ये जो पार्ट देख रहे हो, यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए आए हैं सेंटर में जो देख रहे हो। एंड देन ये जो प्रेयर फ्लैग्स यहाँ पे है, ये वाला रूट हम लोग पकड़े, एंड देन वी केम स्ट्रेट अप यहाँ पे, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द टॉप टियर। नीचे उतरने के बाद डिस्टेंस है लगभग 3.46 किलोमीटर, टाइम लगा हम लोगों को 2 घंटा नीचे उतरने में। नीचे अगर 3.6 किलोमीटर है तो ऊपर जाने का रास्ता तो कम से कम 5 किलोमीटर हम लोग गए होंगे, क्या बोलते हो चेतन भाई, 5 किलोमीटर? हाँ, तो 5 किलोमीटर तो हम लोग गए होंगे। और ऑल्टीट्यूड अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं 1927 मीटर्स, सॉरी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गलत था, वो फीट में मैं सोच रहा था, ये मीटर्स में दिखा रहा है, और वो था 2500 मीटर, मतलब करीबन 600 से 700 मीटर हम लोग चरे हैं, ठीक है, अब वो फीट में कन्वर्ट कर लो 2100। ओके, सो हम लोग अभी आए हैं मेचुका सिटी, आप नीचे देख पा रहे हो, एंड वी केम टू समथिंग यांगचांग मॉनेस्ट्री, सो जिसको और एक सबसे ओल्ड गोम्पा भी बोला जाता है। सो चलो अंदर चलते हैं। ओ, ये सारे प्रेयर बुक्स है। ओके, एंड आफ्टर ए क्विक विजिट टू द गोम्पा वी हेडेड ऑफ टू गुरु रिंपोचे फॉल्स ऑन ने पेमा शिल्पू। तो वेलकम टू ने पेमा शिल्पू मेचुका, और इस जगह की कुछ खासियत आपको बताते हैं, यू कैन ऑलरेडी सी दैट, सो आई जस्ट रीड आउट क्योंकि मुझे भी जानना है। 8th century AD गुरु रिंपोचे विजिटेड ने बेजाक शिंगड़ी प्रेजेंट मेचुका ने पेमा शिल्पू। ओके, रिंपोचे मेडिटेटेड हियर विद हिज डिसिपल्स व्हाइल इन मेडिटेशन, ए टाइगर अटैक्ड अपॉन देम, although his miraculous power sidelined the tiger, converted the rock cave into a holy imprint of Guru Rinpoche. Features of Ne Pema Sherpu, lucky stone pick point, the white and black stone, if one picks up it denotes the positive and negative states of one's life. Okay, waterfall, path in waterfall, it will wash all the sins, if one passes the rock cave it shall purify the soul and extend life force. So ye to karna hi hai fir, let's go. So yahi pe lucky stone ka point hai, आई एम श्योर मेरे हाथ में ब्लैक ही आने वाला है, क्योंकि आई रियली डाउट था, आई सीरियसली डाउट यहाँ पे वाइट स्टोन है अंदर। एनीवेज लेट्स सी, दिस इज दैट वाटरफॉल जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जगह एकदम शांत सा है, और अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं लकी स्टोन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, मुझे पता है आई एम गोइंग टू पिक अ ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन मेरे हाथ में लगने वाला नहीं है, बट स्टिल काफ़ी नीचे है, स्टेप्स तो भाई साहब शेकी है यहाँ पे, सो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट डोंट कम हियर। बीच में एक दो वुडन प्लेटफॉर्म पूरा टूटा भी हुआ है, सो ज़्यादा वेट हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आने का कोई ज़रूरत नहीं है। द स्टेयरकेस टू द लकी स्टोन पॉइंट माइट प्रूव टू बी अनलकी फॉर यू। Oh shit, be careful. चलो कैमरा। मैं ट्राई कर लेता हूँ ना। वाइटी निकलेगा वहाँ। अरे बात। ये आपने क्या बात की? ये पूरा वाइटी। नहीं पिया तो। हम उसको तो उसे ट्राई नहीं किया। किसे एक बात है ना? टू
शो यू द स्केल ऑफ द हाइट वी क्लाइम टुडे. सो यहाँ पे आप रेड कलर का हाउस देख पा रहे हो, द रेड कलर का हाउस इन सेंटर. ये है दोरजी भाई की घर. यहाँ पे यहाँ से हम लोग चढ़े थे मेचुका तक, ठीक है. एंड आई वॉज राइट देयर ऑन टॉप ऑफ एम. क्या मज़ेदार है. और मेचुका दिखते हैं, भी बहुत बढ़िया लग रहा है. रुक करेक्ट वंडरफुल रानना देखे बोलते जो बेड़े गलो आज के হাঁসের মাংস দেশি হাঁস তাই তো ভাই এমনি তো হাঁস আর পোলট্রি হাঁস তো হয় না যাতা বলছি আমি দেশি হয় আজ ডক্টর নে বানায়া দেশি ডাক মিট ডাক্তার আজকে সেরা কাজ করেছে হাঁসের মাংস রান্না করেছে নুন টুন কিছু লাগবে